तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे अभी कार्मिक एवं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव की अनुपस्थिति पर कोर्ट ने जताई नाराज़गी यानी कल झारखंड हाईकोर्ट में पेंडिंग शिक्षक बहाली को लेकर सुनवाई चल रही थी और इसी बीच प्रधान सचिव की अनुपस्थिति पर हाईकोर्ट में नाराजगी जताई गई है तो चलिए आप पूरी डिटेल्स में जानकारी देंगे क्या कुछ हुआ है तो जहाँ पर देखिए स्क्रीन पर झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने गैर अनुसूचित नौ जिलों में संस्कृत विषय के अनुसंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर दायर अवमान याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश का अनुपालन नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई है सुनवाई के दौरान कार्मिक और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव सचिव की ओर से उपस्थिति से छूट मांगे जाने पर अदालत ने सख्त रवैया अपनाया नाराजगी जताते हुए कहा कि एक सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन किया जाए यहाँ पे जो मामला आ रहे हैं झारखंड के गैर अनुसूचित नौ जिलों में संस्कृत विषय से रिलेटेड जो शिक्षक बहाली को लेकर और इसके साथ साथ और भी यहाँ पे पेंडिंग शिक्षक के बारे में हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है लेकिन यहाँ पे जो प्रधान सचिव है कार्मिक विभाग के अनुपस्थिति पर झारखंड हाईकोर्ट ने यहाँ पर नाराजगी जताई है और एक हफ्ते का समय दिया गया है अनुपालन करने के लिए उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए और अगली सुनवाई के दौरान कार्मिक एवं स्कूली साक्षरता एवं साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव उपस्थित रहेंगे मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने चार मार्च मार्च की तिथि निर्धारित की है इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार सिन्हा वरीय अधिवक्ता प्रसन्न भूषण व हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृत तंक्स वत्स्य ने अपने अपने मुवक्किलों को रखा राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि शुक्रवार को झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है और राज्यपाल का अभिभाषण है इसे देखते हुए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग तथा स्कूली साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव की ओर से उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया गया था यानी कल जो बजट सत्र का पेश भी किया गया था और राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर यहाँ पे छूट देने का आग्रह किया गया लेकिन इसमें कोर्ट ने नाराजगी जताई उसका देखिए उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कविता शर्मा बसंतराम बापी कर्मकार और चंदन कुमार की ओर से अलग अलग अवमानना याचिका पर दायर की गई है प्रार्थियों ने एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है तो इस मामले पर सुनवाई सुनवाई हुई और इस सुनवाई में कार्मिक और शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव की अनुपस्थिति पर यहाँ पे कोर्ट ने नाराजगी जताई है तो एक हफ्ते का समय दिया गया है यानी चार या पाँच मार्च से पहले यहाँ पे अनुपालन करने के लिए समय तो ये रहा लेटेस्ट अपडेट झारखंड में गैर अनुसूचित जिलों में एक सप्ताह के अंदर शिक्षक नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से सरकार को यहाँ पे निर्देश दिया गया है और एक हफ्ते के अंदर इसको अनुपालन करने के लिए कहा गया है साथ ही आप लोग बता दें कि हाईकोर्ट में कल सुनवाई के दौरान प्रधान सचिव की अनुपस्थिति पर यहाँ पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई और अगले चार या पाँच मार्च से पहले पहले यहाँ नियुक्ति के लिए खुशखबरी आ सकती है पेंडिंग शिक्षक नियुक्ति को लेकर तो इसी तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए